संविधान समिति के सदस्य नंद किशोर गुप्ता जी। आज के सूफी की पावन धरती पर उपस्थित मंचासीन गार्जियन, सम्मानित मंच, नौजवान साथियों, दोस्तों एवं पिता पुत्र बुजुर्गों, आप सभी को नंद किशोर गुप्ता का प्रणाम, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, स्वीकार हो। बड़ी खुशी की बात है कि आप लोगों के बीच आज पुनः दोबारा आपके बीच में आने का मुझे मौका मिला। इस कार्यक्रम में नहीं बल्कि इससे पूर्व में भी मैं आप लोगों के बीच में आ चुका हूं। मैं पूर्व में 2019 में लोकसभा का भी चुनाव लड़ा था, उस समय भी मैं आपके इधर आया था और आज आप लोगों के बीच में जन सुराज अभियान समिति के रूप में हूं। समिति का मतलब हुआ जो अभियान को चलाने वाले समिति के सदस्य हूं, जो प्रत्येक दूर 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 जाकर के प्रत्येक दिन में अलग जगाने का काम करता हो, प्रत्येक दिन में जन सुराज को प्रतिष्ठित करने का काम करता हो। साथ ही साथ आज के इस जन सुराज बाह्य कैंप के उद्घाटन में आने का मुख्य उद्देश्य, यहां जितने भी नौजवान हैं, जो भी जन सुराज बाह्य के भार को अपने कंधे पर उठाया है, मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूंगा कि बड़े सौभाग्यशाली वाले लड़के हैं, वो युवा हैं जिनको यह मंच मिला है, यह प्लेटफॉर्म मिला है, यहां से अपने आप को संवारने का एक बहुत बड़ा उज्ज्वल भविष्य को संवारने का बहुत बड़ा अवसर मिला है। आप पढ़ लिख करके 3 साल में चाहे जितनी भी बड़ी कंपटीशन की पढ़ाई आप कर लो, कोई जरूरी नहीं कि सारे लड़के उस कंपटीशन को फाइट कर ही लेंगे। फिर साथी जो ऐसे होंगे जो कर सकते हैं, बेटर है करें, आप यहां रहकर भी कर सकते हैं, समाज का साथ और उत्थान करते हुए भी कर सकते हैं, उसमें भी आपका साथ और सहयोग मिलेगा प्रशांत किशोर जी की ओर से। यदि आप उस तरह से भी नहीं हो पाते तो जन सुराज अभियान सदस्य का एक बाह्य सदस्य बनकर के भी आप इस बीड़ा को उठाए हैं तो आपका सहयोग किया जाएगा। प्रतिमा ट्रेनिंग आवर में, प्रशिक्षण के समय में भी आपको खाली हाथ नहीं रखा जाएगा। आप अपने घर से चलकर इस कैंप को बंद किया है तो इस कैंप में आपको भोजन मिलेगा, पानी मिलेगा, सोने रहने सहने का व्यवस्था मिलेगा। हाँ, थोड़ा कष्ट तो हो सकता है, घर का वो मखमली बेस, घर का वो चटाई, घर के माता पिता के हाथ का भोजन और पानी नहीं मिलेगा, लेकिन बहुत सारे साथी और सहयोगियों का साथ मिलेगा, कंधे से कंधे मिलाकर चलने का एक आपको सौभाग्य प्राप्त होगा कि आप बिहार बदलने की सोच रखते हैं और इससे सिर्फ बिहार नहीं आपका देश बदलेगा। अभी तो मुट्ठी भर जमीन नापी है हम लोगों ने, अभी तो सिर्फ सीतामढ़ी की जमीन पर ही हम लोग घूमे हैं, यहां के जितने भी नौजवान हैं, हमें पूरे भारत को बदलना है और भारत को बदलने के लिए ही शख्स कम नहीं है। इन्होंने कई लोगों का आपने सुना बड़े बड़े वक्ताओं से जिन्होंने कहा कि हमें बिहार को बदलना है, बिहार की मिट्टी पर हमारे प्रशांत किशोर जी ने जन्म लिया, उनको यह मिट्टी कचोड़ती है, उनको यह लगा कि मैं विदेशों में जाकर 10 साल जो सेवा दिया, वहां के लोगों को राष्ट्रपति तक बनाने का, डोनाल्ड ट्रंप जैसे लोगों को राष्ट्रपति बनाने का काम मैंने किया, क्या हम अपने देश को लोगों को नहीं बना सकते? क्या राजा के पेट से जन्म हुआ जैसा आपने अभी अभी सिकंदर महतो जी के बात से आपने सुना? इन्होंने जो बताया कि महारानी के पेट से जन्म हुआ महाराजा युवराज, वही राज नहीं कर सकता। हमारे देश में वैसी व्यवस्था है या लोकतंत्र की व्यवस्था है, लोकतंत्र में किसी गरीब का बेटा भी राजा हो सकता है, उसमें परवर इच्छा शक्ति की जरूरत है, प्रतिभा शून्य में जन्मती है, इसे आतंकित होने की जरूरत नहीं है। जहां अंधकार होता है तब होता है, तब भी अंधकार ही होता है, वही उजाला होता है। आप एक दीपक को जला करके देखो। नौजवानों के लिए संदेश देना चाहूंगा, आदि हो साल भर 1.5 साल तक कष्ट सहकर इस कैंप का वर्णन किया और प्रशांत किशोर जी की अभियान में साथ और सहयोग देने का काम किया, धन्यवाद। आप लोगों को ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है, आपको प्रशिक्षण का ऐसा प्लेटफॉर्म मिलेगा जो घर में नहीं सिखाया जाता। शेर के बच्चे कभी मांग में शिकार नहीं सीखते, उसे जंगल में सीखना पड़ता है।